अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग 8 day 2 and 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले कर दें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाशपाती ले लो, नाशपाती। अभी तक के ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये था मेरा ईद ड्रेस day 2 इन पर्पल कलर फ्रॉक था। इसके ऊपर हुआ हुआ था हाथ से गोटा वर्क, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। साथ में था इसकी शलवार, जो कि उसके ऊपर भी सेम गोटा वर्क हुआ हुआ था एज इट इज़। और ये थी इसकी ओवरऑल लुक। ये है मेरा है ईद day 2 का ड्रेस, जो कि येलो कलर में है। इसके साथ ब्लू ट्राउज़र कंट्रास्ट में मैंने मतलब कि मैचिंग किया था, और इसके ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। आप लोगों ने वीडियो क्वालिटी को बहुत इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है, बस मेरे ड्रेस को देखना है और इस पर एक लाइक कर देना है। मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम बाहर निकलें। हमने प्लान किया है अभी अय्यूब पार्क जाने का। अय्यूब पार्क पहुंचे हैं, मगर बहुत रश है, तो अभी हम वापस जाएंगे। ये है मेरा ईद ड्रेस इन ऑलिव कलर कुर्ता, और ट्राउज़र था इसके साथ। इसके ऊपर हुआ हुआ था डिज़ाइनिंग विद ब्लैक लेसेस और ब्लैक बटन। ये ड्रेस मैं आपको रात को दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे हमने गांव के लिए निकलना है। ऑलमोस्ट आधा रास्ता तय हो चुका है, यहाँ पर हम पहुँच गए विस्पर पाइंस। इधर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, मरी वाला सीन, और यहाँ पर क्लाउड्स ने माउंटेन्स को कवर किया हुआ था। वाओ, माशाल्लाह। अब हम गांव पहुँच गए हैं, नाश्ता मिलेगा, उसके बाद हम करेंगे फ़न। नाश्ते में है चूल्हे वाली चाय, और साथ में है गोश्त, और ये मेरी कज़न ने कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं एंड आई लव दीस। जैसे मिट्टी का चूल्हा, कुकिंग पॉट, दिस इज़ अ मिट्टी का स्पून, हाउ क्यूट। और ये मैंने उसको कहा था मेरे लिए एक मिट्टी का चूल्हा बनाए, उसने ये वाला एक मिट्टी का चूल्हा बनाया, उसके ऊपर कुछ लीफ प्रिंट डिज़ाइन किया। एंड आई एम सो एक्साइटेड, अब मैं इसके अंदर खाना बनाऊँगी। अभी हम आए हुए हैं इस खूबसूरत से खेत में। इधर बहुत ही अच्छा व्यू है, सामने माउंटेनी व्यू है, और इधर एक नाशपाती का दरख्त है, जिसमें से हम नाशपाती तोड़ते हैं। ये जो हल्के पुल्के स्टोन्स नीचे पड़े हुए होते हैं, इनको हम शूट करते हैं नाशपातियों पे, नाशपाती नीचे आके गिरती हैं, देन वी वॉश इट फ्रॉम द पंप। हियर इज़ द पंप फ्रॉम वेयर वी वॉश द नाशपाती, एंड देन वी एंजॉय द यम्मी डिलीशियस खट्टी मीठी कच्ची नाशपातियाँ। 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, नाशपाती ले लो, नाशपाती। रात हो चुकी है और अब हम यहाँ करने वाले हैं टिक्का पार्टी, और ये है देसी अंगीठी। अभी हम बनाने जा रहे हैं साग इन देसी स्टाइल, और इस चूल्हे पे बनाएंगे, जो कि है मिनी चूल्हा। मैं और मेरी कज़न अभी फ्रेशली साग चुन के लाए हैं खेत, और हमने अभी काटा है। हमने लिए हैं 2 टमाटर, 2 आलू और 1 प्याज, और जो इसमें आलू है वो ऑप्शनल है। इसमें डाली है हमने नमक मिर्चें। अब मैं इधर कट कर रही हूँ फाइन चॉप प्याज। सबसे मुश्किल काम करने जा रहे हैं, जो कि है आग जलाना। आग जलाने वाला काम इधर सबसे मुश्किल होता है, और फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी, और मेरी कज़न भी फर्स्ट टाइम ट्राई करी है। तकवाले जरी, खामोशी इल्म का जेवर है और जाहिल की जाहलत का पर्दा है। यहाँ पर मुझे किसी की कैविटी से भरे हुए दांत मिले। फिर हम गए चश्मे पे, और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा था। अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ, जमाने के हर एक जालिम, हर बातिल से लड़ता हूँ,
मुझे जो हुक्म रब्बी है वही मैं काम करता हूँ। मैं ऐसी कौम से हूँ जिससे बातिल दिल रस्ता है, बड़ा मिस्टर बना फिरता है और काफिर पे मरता है। ये था हमारा ईद व्लॉग डे 2, 3 एंड 4। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों ने चांद रात व्लॉग और ईद व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देखें। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।